वो एक सीस मूव ये क्या है, एक फैटी एसिड को चार ग्रुप में तकसीम किया गया है। एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स और टर्फिनाइट्स, मतलब इन चार ग्रुपों में लिपिड्स को तकसीम किया गया है। उनमें सबसे पहले एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात किया कि एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है और किस तरह होता है और उसकी खासियत क्या है। नाउ वैक्सीज, वैक्सीज जो है मतलब एक टाइप है, इसको मतलब एक ग्रुप है लिपिड्स के, इसके खासियत कौन कौन से है वैक्सीज मोम के। ओके, वैक्सीज यानी मोम जो होता है ये फैटी एसिड यानी कि ईस्टर ग्रुप की बात होते हैं जिनके साथ लंबी लड़ी की एक ओएच की अल्कोहल जुड़ी होती है। वैक्सीज ऐसे सादा लिपिड्स को कहा जाता है जिनमें एक फैटी एसिड अल्कोहल यानी कि अल्कोहल की लंबी लड़ी के मॉलिक्यूल्स के साथ ईस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं। इनमें कार्बन एटम्स की तादाद हमेशा C25 से लेकर C35 तक होती है। ये पानी में गैर हल पजीर होते और ये लचकदार होते हैं। ये तने, पत्ती, इसकी डूडी और फलों के बैरूनी तह बनाते हैं और इसको सिमेटिक की यानी कि सिमेटिक की अशिया क्रीम और मरहम और पॉलिश की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीज को। और वैक्सीज मोम को मशीनों की लिब्रेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदाई दौर में इनको वेल मछली से हासिल किया जाता था लेकिन अब इनको एक सहराई पौधे साइमेंटसिया और चाइनसिस इब्तदाई दौर में मतलब इसको क्या वेल मछली जो है सबसे मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मछली इससे हासिल किया जाता है लेकिन अब इनको एक सहराई पौधे एक डिजर्ट प्लांट सिमाइंस या चाइनीसिस मतलब इस जो सहराई पौधे प्लांट से ये इसका नाम है माइंस या चाइनीज इस प्लांट से सेल किया जाता है। और या जुजुबा मतलब ये भी एक प्लांट का नाम है जुजुबा, इसको हम कहते हैं जुजुबा से हासिल किया जाता है। इसके बीज और इसके मतलब सीड्स में वैक्सेस वहां पर जमाशुदा हालत में होता है और वहां से हासिल किया जाता है। मतलब इट्स द करैक्टरिस्टिक एंड इट्स वी आर प्रेजेंट एंड where we receive vaccines and what are the benefits and etc. about vaccines. यानी कि vaccines यानी मोम ईस्टर मोम की बात होते हैं जिनके साथ लंबी लड़ी की एक ओएच के अल्कोहल जुड़ी होती है। vaccines ऐसे सादा लिपिड्स यानी कि सिंपल लिपिड्स को कहा जाता है जिनमें एक फैटी एसिड अल्कोहल की लंबी लड़ी के मॉलिक्यूल्स के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इनमें कार्बन की तादाद हमेशा C25 से C35 तक होती है। ये पानी में गैर हलपजीर होते हैं मतलब पानी में हल नहीं होते और ये लचकदार होते हैं। ये तने, पत्ती, इसकी यानी के डंडी और पन्नों के बैरूनी तह बनाते हैं। इनके सीमेंट की शिया क्रीम मरहम पॉलिश की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं और वैक्सीन मोम की मशीनों के और लिब्रेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदाई दौर में मतलब इसको वेल मछली से हासिल किया जाता है लेकिन अब इसको एक सेराई पौधे सिमाइंसिया चाइनेसिस जो नाम पौधा सिमोइंस या चाइनीस जो नाम पौधे है या इससे या जोजोबा एक प्लांट का नाम या इससे हासिल किया जाता है। इसके बीजों में वो एक सेस यानी कि वो एक सेस्टर जमा हालत में होता है उससे वहाँ से ये वैक्सीन हासिल किया जाता है। और इस तरह मतलब मुख्तलिफ कस्म के निकेशिया क्रीम मरहम पॉलिश वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइम फॉल्स फॉल रिपीट।